हनुमान जयंती के अवसर पर देशवासियों को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं और बजरंग बली जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से लंबे समय से, पिछले 23 दिनों से जो संघर्ष चल रहा था, दिल्ली वालों का जो संघर्ष चल रहा था, उस पर बजरंग बली की कृपा हुई और अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन, जो उनके जीवन के रक्षा के लिए जरूरी थी, जिसकी मांग हम लोग बार बार कर रहे थे, वो उनको मिल गई है, उनको दी गई है। आज एक ऐसा सच आपके सामने बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे और आप खुद सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जो पिछले 20-22 साल से शुगर का मरीज है, जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों की दवा का इंतजाम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, फरिश्ते स्कीम लाए, पिछले 23 दिनों से उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही थी, तो क्यों नहीं दी जा रही थी? और जब हम बार बार कहते थे कि यह जान से मारने की साजिश है, तो हमसे पूछा जाता था कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है? अब वो बात सामने आ गई। 23 दिन के दिल्ली के लोगों के संघर्ष के बाद अब उनको इंसुलिन दी गई है। न्यायालय ने भी एम्स का पैनल बनाया, डॉक्टरों की टीम बनाई कि उनके हेल्थ की चेकअप के लिए, उनका उनका परीक्षण करने के लिए। अब मैं जो सच आपको बताने जा रहा हूं उसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दिल्ली का तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक यातना गृह बन गया है। दिल्ली का तिहाड़ जेल केजरीवाल जी के लिए यातना गृह बन गया है। और आपको याद होगा, हिटलर भी अपने विरोधियों के लिए यातना गृह बनाता था। 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी को पीएमओ के और एलजी के निगरानी में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कार्यालय 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए उसका लिंक मंगाकर देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आखिर इतनी निगरानी क्यों है? क्या देख रहे हैं मोदी जी? आप क्या देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? यह देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को दवा मिली कि नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल को खाना मिला कि नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल कितना पढ़ रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कितना जग रहे हैं? आप देखना क्या चाहते हैं मोदी जी? प्रधानमंत्री जी, आपको क्या देखना है? 24 घंटे सीसीटीवी का लिंक आपके ऑफिस को, पीएमओ को क्यों चाहिए? आप ये देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन मिली कि नहीं मिली, वो कितना बीमार हुए, उनकी किडनी खराब हुई कि नहीं, उनका लीवर खराब हुआ कि नहीं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, इसकी निगरानी कर रहे हैं आप? इसको देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का मनोबल कितना गिरा, कितना वो टूटे, कितना वो झुके? Subscribe our channel for latest news and updates and don't forget to press bell icon for latest notifications.